दुनिया की सबसे विशाल कोरल रीफ करीब 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली है, यानी राजस्थान जितने बड़े इलाके से भी बड़ी। ये एक ऐसी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो अद्वितीय है, लेकिन आज हम इसे खोने की कगार पर हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस यानी AIMS रीफ को पूरी तरह खत्म होने से बचाने में जुटा है। समुद्र जीव विज्ञानी एनिका लैम्ब यहाँ चल रहे काम के प्रति समर्पित हैं। मेरा रोज का काम है ये देखना कि इन सिस्टमों को क्या हो सकता है जिनकी मैं बहुत परवाह करती हूँ। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इससे मैं उम्मीद खोती हूँ। अब भी बाहर जाती हूँ, ग्रेट बैरियर रीफ को देखती हूँ। बहुत सारा हिस्सा स्वस्थ और सुंदर है, बहुत सी विविधता है जो बचाने लायक है। अनगिनत टैंक रीफ की असल परिस्थितियों को दर्शाते हैं। कोरल बहुत संवेदनशील होते हैं, पानी की गुणवत्ता, प्रकाश और तापमान इनके बचे रहने के लिए बहुत बड़े कारक हैं। क्या होता है जब परिस्थितियाँ बदलती हैं और रीफ में रहने वालों के लिए असहनीय हो जाती हैं? हम पता लगा रहे हैं कि हम कोरल को ब्रीड करने के लिए क्या तरीका अपना सकते हैं ताकि लचीला स्टॉक तैयार कर सकें। सोच है कि इन लचीले कोरल को रीफ में रखा जा सकता है ताकि बदलती जलवायु के बावजूद इकोसिस्टम बचा रहे। वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा डर कोरल ब्लीचिंग का है। बीते वर्षों में इसी से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर पानी बहुत गर्म हो जाए तो कोरल शैवाल को छोड़ देते हैं। ये शैवाल सिर्फ अद्भुत रंगत ही नहीं देते बल्कि कोरल को पोषण भी देते हैं। अगर शैवाल नहीं रहे तो कोरल भी नहीं बचेंगे और इन सब का सीधा असर होगा इंसानों पर। दुर्भाग्य से हाँ, उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। हम देख रहे हैं कि पर्यावरण की परिस्थितियां बदल रही हैं। ऐसे में कोरल जैसे जीव के लिए हालात ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। और इन परिस्थितियों का नाम भी है जलवायु परिवर्तन। ऑस्ट्रेलिया में इसके प्रभाव जमीन और समुद्र दोनों जगह दिख रहे हैं। गर्मी, सूखा, गिरती पैदावार और भयावह जंगल की आग। ठीक इसी समय कहीं गांव, कस्बे और शहर पूरी तरह पानी में डूबे हैं। चरम मौसमी घटनाएं आम हो गई हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता क्रिस्टल फॉल्कनाउ इसकी वजह बताती हैं। मुझे लगता है संदेश बहुत ही साफ है और दिन ब दिन ज्यादा स्पष्ट हो रहा है। दरअसल ये काफी खौफनाक है। हालात कितने खराब हैं और ना जाने कितना महंगा पड़ेगा जलवायु परिवर्तन पर एक्शन ना लेना। ग्रेट बैरियर रीफ से ज्यादा ये कहीं भी स्पष्ट नहीं है। 7 वर्षों में 4 बड़ी कोरल ब्लीचिंग की घटनाओं से बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहरों की सूची से बाहर करने की धमकी दी है। ऑस्ट्रेलिया की साख और बहुत सा पैसा दांव पर है। ये रीफ बड़ी आर्थिक संपत्ति है जिससे पर्यटन उद्योग की 70,000 नौकरियां जुड़ी हैं। डाइविंग इंस्ट्रक्टर नाडिने हूथ 9 साल पहले जर्मनी से यहाँ आईं। वो रिसर्च डाइव भी करती हैं। हाँ, मैं अलग अलग गहराइयों में उतरती हूँ ये देखने के लिए कि किसी इलाके में कितने कोरल हैं, कितनी तरह के, कितने मर चुके हैं, क्या शैवाल अब भी वहाँ है, क्या कोई कोरल ब्लीचिंग हुई है। वो ये सारा डेटा AIMS इंस्टीट्यूट के समुद्र जीव विज्ञानियों को भेजती हैं, जो इस अनोखे इकोसिस्टम को बचाने में पूरे समर्पण से लगे इन लोगों के काम आता है।